yesterday, and my plan is that we'll complete with this presentation today itself, so that you're through with transformations. I hope my screen is visible to everybody. एवरीबडी में अपने आप को कोई गिनता ही नहीं है. हर्ष नजर आ रही है स्क्रीन? बहुत ही अजीब लगता है मुझे ना. गुड मॉर्निंग का जवाब देते हो, जब एवरीबडी पूछे तो कोई जवाब नहीं देता. इमेच्योरिटी है और कुछ नहीं है, बदतमीजी भी नहीं बोल सकता. हमने कल कर लिया था यहाँ तक, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस भी कर लिया था, है ना, स्केलिंग भी कर लिया था. ये दिस वाज द लास्ट स्लाइड व्हिच वी हैड डन, है ना? यस मैम. सो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन. Now you have something called as combined transformation. Before we do the combined transformation, you need to understand that there are few properties in multiplication of the matrices. Your matrix multiplication is associative. That is, when you multiply AB and the answer is multiplied with C, it's the same as when you multiply A with the product of BC. Okay, that means when you with respect to these transformations, if you have transformation matrices, then that means that T1 into T2 can give you T3, which can be directly applied to XY. समझ में आ रही है? ये ए और ये ए बी और सी का क्या मतलब है? ये सी वो लाइन है मान लो, जिसको आपको पहले रिफ्लेक्ट करना है और फिर रोटेट करना है. तो ए जो है वो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स होगा, बी जो है वो आपका रोटेशन मैट्रिक्स होगा. आप रिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद द लाइन, इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट कि पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, रोटेशन का कर रहे हैं और फिर रिफ्लेक्शन का कर रहे हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T3 आप अलग से भी जनरेट कर सकते हैं T1 इनटू T2 कह के, एंड देन इंटायर T3 को आप अपनी लाइन के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now the second property is that matrix multiplication is not commutative. That is, A into B is not equals to B into A. That means the order of operation does matter. इसमें हमारे पास क्या केस है कि अगर आपको एग्जाम में कहा गया है कि पहले रिफ्लेक्ट करें और फिर रोटेट करें, तो आप उल्टा नहीं कर सकते. रोटेट करके रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो इमेज कुछ और होगी. ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अजय यहाँ तक क्लियर था बेटा? अजय यहाँ तक क्लियर था? यस मैम. नाउ यू हैव योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट स्क्वायर. करना क्या? अच्छा देखो, अगर यूनिट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसके जो साइड्स हैं वो 1-1 साइड के होंगे, 1-1 यूनिट के होंगे. ठीक है, तो और मान के चल रहे हैं कि जो उसका पॉइंट ए है वो ओरिजिन पे है. तो दैट मींस अगर हम एक यूनिट स्क्वायर ऐसे बनाए जिसमें ए जो ओरिजिन पे है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? ए का 0-0 होगा, बी का 1-0 होगा, सी जो डायगोनली ऑपोजिट होगा ना ए के, वो 1-1 हो जाएगा, और डी जो है वो 0-1 होगा. राइट, as shown earlier, the point that remains invariant under 2x2 matrix transformation is origin. ठीक है, तो origin को आप transform नहीं कर सकते, मतलब हिला नहीं सकते. All other points within the plane can be transformed. Now we consider a unit square which lies in the xy plane as shown in the figure. The four position vectors of the unit square with one corner at the origin are as follows, where that one coordinate is A. ठीक है, तो unit square आपका कुछ इसी तरह से दिखेगा. A के coordinates हो जाएंगे 0, 0, B हो जाएगा 0, 1, C हो जाएगा 1 unit in x direction and 1 unit in y direction, और D हो जाएगा आपका 1, 0. Suppose we consider the image
of the square under a general linear transformation matrix which is represented by ABCD. कहने का मतलब है अब इस यूनिट स्क्वायर पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जनरल लगा लेते हैं अभी ABCD. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स व्हिच रिप्रेजेंट्स ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी स्टार. इनको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये देखो ये क्वांटिटी 00 इसलिए आई क्योंकि ओरिजिन जो है वो इनवेरिएंट होता है. तो दैट मींस ए जो है आपका ए पे ही रह गया, ठीक है, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो जो बी है वो ए कॉमा बी पे पहुंच गया, ए कॉमा बी तो यहाँ पहुंच गया आपका, राइट. सी जो है वो पहुंचा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी पे, इधर ए प्लस सी एंड बी प्लस डी पे, और जो डी है आपका वो हो गया सी कॉमा डी पे. तो ये रहा सी आपका और ये रहा डी आपका. So what you find here is that A जो है वो displaced नहीं हुआ है. Therefore what we can notice is that A is mapped to itself, B, C and D are mapped to these new points. Note क्या है यहाँ पे? The area of any transformed figure AT is related to the area of the initial figure AI by the fact that AT is equals to AI into the determinant of your transformation matrix. I repeat here, आपके पास ये original figure थी ABCD. इसका area आप निकाल सकते हैं and you can label it as AI. Then आपने इसको transform किया, आपके पास unit square के बजाय अब एक parallelogram आ गया है, ठीक है, जिसमें A again origin पे है. इसका भी आप एरिया निकाल सकते हो. दैट एरिया यू कैन लेबल इट एज AT. नाउ हाउ AI एंड AT आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर. AT इज इक्वल्स टू AI इनटू डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. अब ऐसे रिलेशनशिप की हमें जरूरत क्या है? मान लीजिए कि आपके पास ओरिजिनली आप अपने एक घर में रहते हैं. भूमि यहाँ तक क्लियर है अभी तक? भूमि, यस मैम. मान लीजिए कि आप अभी अपने करंट घर में रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसको रेनोवेशन की जरूरत है सो दैट वी हैव अ लिटिल मोर स्पेस. तो क्या आप उसको तुड़वा कर बनवा कर देखोगे कि स्पेस उतनी आ रही है जितनी हमें चाहिए? नहीं नहीं, ये तो हमने कुछ गलत कर दिया, अब इसको फिर तुड़वा कर फिर बनवाए ताकि हमारी स्पेस और ज्यादा निकल आए, ठीक है, तो वो हम फिर नहीं कर सकते ऐसा काम. किसी का माइक ऑन है? आई सपोज किसी का माइक ऑन है. हाँ जी, किसका था माइक? अजय माइक ऑफ कर. इज व्हाट इज दैट अजय? अजय एनीवे, या मैम गलती से हो गया था मैम, सॉरी मैम. पर तुम सुन क्या रहे थे साथ में? व्हाट वाज इट? वो कोई एक वीडियो थी तो वो चल गई थी गलती से वो लैपटॉप पे साथ में. सुनो एक बात बोलूं, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, पर ना अभी ऑनलाइन मोड में ना ये जो स्कूल के बच्चे हैं ना सब सेवेंथ एट्थ तक के, नॉट इवन एट्थ, सिक्स सेवेंथ तक के, उनके ना साथ पेरेंट्स में से किसी को बैठना पड़ता है. क्या करते हैं वो कि वो क्लास में ज्वाइन तो कर लेते हैं, कैमरा ऑफ करके माइक तो ऑफ ही रखना है, वो लैपटॉप पे कुछ और चला के देखते हैं. तो उनपे ना हॉवरिंग करने के लिए एक पेरेंट को साथ में बैठना पड़ता है. अब आप लोग मल्टीटास्किंग करो, यू आर वेरी स्मार्ट इन दैट, बट मल्टीटास्किंग करते हुए ये मत भूलो कि उस मल्टीटास्किंग में अपना नुकसान ना करना. मैंने मुश्किल से एक घंटे की क्लास लेनी है, उसमें भी मैंने समझा के निकल जाना, पढ़ना आपने है. आपको इट्स योर इंटायरली योर विश कि पैरेललिज्म क्लास में करना है कि नहीं करना है, ठीक है. आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट एट अजय, ठीक है. हाँ जी,
तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि AT is equals to AI into the transformation, into the determinant of the transformation matrix. तो जितनी भी ये इंजीनियरिंग ड्राइंग या आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी आप बोल रहे हैं अपने करंट घर में चेंजेस करने के लिए, वो क्या करते हैं उसको पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में. पेपर पे ड्रॉ करने के बाद वो एरिया निकालते हैं. जो आपका ओरिजिनल हाउस है उसका एरिया तो दिख ही रहा है, वहां से निकाल सकते हैं. और जो नया आप कह रहे हैं कि इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर दीजिए, तो उसका वो एरिया पेपर पे निकालते हैं. एंड देन दे फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है. अच्छा, वो नए वाले एक का एरिया तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अभी बनाया नहीं है. तो हाउ डू दे फाउंड द न्यू एरिया, वो आपके ओरिजिनल एरिया के साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप कह रहे हैं करने के लिए उनको करके दिखाते हैं कि फिर आपके पास इतना एरिया हो जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल रियलिटी बिहाइंड दिस रिलेशन. अब एग्जाम में आपके पास इसके जैसा क्या क्वेश्चन आता है, you will be given that you have a triangle ABC with the position vectors as this and it is transformed by the transformation matrix as this. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, to create a new triangle ABC what we need to do is that we need to find the area of the triangle. ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट. आपके पास ये पोजीशन वेक्टर्स हैं. इन पोजीशन वेक्टर्स से आप ABCD ट्रायंगल ABCD को ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ करने के बाद उस फिगर से आप बेस और हाइट निकाल सकते हैं. अगर वो भी ना आता हो आपको तो आप हीरोज फॉर्मूला जो है अंडर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a इनटू s माइनस b इनटू s माइनस c से भी आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है. अब यूजिंग दिस इक्वेशन 1 व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ट्रायंगल. वो क्या हो जाएगा, ये आपने AT निकाल दिया है, AI निकाल दिया है, डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 6 माइनस 2 तो दैट विल बी 8. तो 8 इंटू 1 आपके पास न्यू एरिया आ गया 8. अगेन इसको कहना कैसे, तो ये आपके पास जो ट्रायंगल था इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया. ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये नया ट्रायंगल बना. इसकी फिर से इमेज बनाइए और यहाँ से बेस और हाइट निकालिए एंड देन यू फाइंड आउट द न्यू एरिया 80 एंड विच कंफर्म्स योर रिजल्ट कि दोनों में आंसर आपका 8 आया है. तो आपको तो एग्जाम में आएगा कि यू नीड टू जस्टिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया ऑफ द अनट्रांसफॉर्म्ड फिगर एंड द एरिया ऑफ द transformed figure. So in that case, आपके पास case 1 होगा where you find out the original area and multiply it with the determinant of the matrix and find out the area 80. This is equation 1. Then case 2 होगा कि you are actually making the transformation to the image or the triangle whichever is given to you and then you find out the new area of the transformed triangle. This will be equation 2 and you say that since equation 1 and 2 are correct, are same, so the statement holds. So yahan tak Krishna clear hai beta? Yes ma'am. Now moving to further, you have solid body transformations. Solid body या rigid body transformations वो transformations होती हैं which do not change the shape of the object. वो आपकी तीन तरह की है. Translation, translation में आप position को change करते हो. Scaling, जिसमें आप size को change करते हो. And rotation, जिसमें आप उसको rotate करते हो. अब transformations and translation and homogeneous coordinates. देखो, let us move our problem in 3 dimension. You have a point xy in 2 dimension which can be represented with the help of the homogeneous coordinate in a new space. So where your point xy will now be represented by x comma y comma 1 where h or w is equals to 1. ठीक है, तो ये जो अभी आपको ये जस्ट लुक एट दिस फिगर, ये 2 डायमेंशन में आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें जब हमने यहाँ पे एक और
एक्स और वाई के बीच में एक और डायमेंशन क्रिएट किया W, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि W के ऊपर ऐसे वाले जो ये W जो है ये प्लेन है, वेयर प्लेन की इक्वेशन है W इक्वल्स टू 1। अब इस प्लेन पे आप बहुत सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ही दिखाया है, इसके आगे भी हो सकते हैं ऐसे ही और कार्डबोर्ड्स, ऐसे ही कार्डबोर्ड्स इसके पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरियाज पीछे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एट W इक्वल्स टू 1, W इक्वल्स टू 0.5 भी हो सकता है, W इक्वल्स टू 0.2 भी हो सकता है। W इक्वल्स टू 0 हो गया जब आप बिल्कुल बैक क्लिपिंग प्लेन पे पहुंच गए, W इक्वल्स टू 1 हो गया जब आप बिल्कुल फ्रंट क्लिपिंग प्लेन पे पहुंच गए। इसको अगर हम दूसरी तरह से समझे, वो क्या हम करते थे पेंट ब्रश के बजाय इमेजेस के लिए ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे लेयरिंग होता था, इट्स लाइक एक के बाद एक लेयर लगी हुई है, ठीक है, एंड सबसे सामने जो लेयर है दैट इज दैट W इक्वल्स टू 1 और सबसे पीछे जो लेयर है दैट इज W इक्वल्स टू 0। तो दैट मींस इन जनरल योर पॉइंट x कॉमा y कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय x कॉमा y कॉमा W। अब आपके पास जो नया स्केलर पॉइंट आ जाएगा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए, वेयर ए इज सम वैल्यू विच इज बीइंग गिवन टू डब्ल्यू। सो दैट मीन्स अ पॉइंट इन 2D कैन एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी वेज इन द न्यू स्पेस। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पॉइंट 2,4, this point can be represented as 8,16,4 if h the value of h is equals to 4, and it can be represented as 6,12,3 where the value of w is equals to 3, or it can be also represented by 2,4,1 where the value of w is equals to 1. Jo bhi w ki value hai, you multiply the entire thing with it. To ye ho jayega ax. A hai hamara yahan par 4. To 4 into 2 will give you 8. And 4 into 4 will give you 16. And 4 into 1 will give you 4. So that means a point in 2D is represented by a line in 3D. लेकिन हम देख क्या पाते हैं, उस लाइन का सिर्फ फर्स्ट पॉइंट 2,4 लाइन पीछे होते हैं उसके, क्योंकि हम देख तो अभी भी उसको टू डायमेंशन में रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ललित क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. Now, we can always map back to the original two-dimensional point by dividing by the last coordinate. So, exam mein question aa sakta hai. The point in homogeneous coordinate is 3,6,3. What is the equivalent point in homogeneous coordinate? So all you need to do is that you have to multiply all the points by W. Divide all the points by W so that the last point is W equals to 1. So jaise 15,6,3 hai, so dividing it entire by 3, you will get the point as 5,2,1, which is equivalent to 5,2 in your two-dimensional area. The same goes with this 60, 40, 10, dividing the entire thing by 10 so that the last coordinate is 1 by 1 is 1, so your Cartesian coordinate is 6,4. The fact that all the points along each line can be mapped back to the same point in two dimension gives the coordinate system its name, homogeneous coordinates. Homogeneous ka kya matlab hota hai? Same. So same coordinates hai ye sare. Bhai agar hum 60, 40, 10 aur
ये जिसको भी हम मैप कर रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर हम इसको इन सब को मैप करें दोबारा होमोजीनियस निकालें, तो ये भी 2.4 आ रहा है, और ये भी जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 3 से ये भी 2.4 आ जाएगा, इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी 2.4 आ जाएगा। तो हुआ क्या, ये सारे के सारे जो तीन पॉइंट्स है ये सेम कार्टेशियन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सेम कोऑर्डिनेट्स हो गए। सेम का दूसरा वर्ड होता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इज दिस क्लियर ज्ञानेश, यहाँ तक क्लियर है बाय द नेम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स? ज्ञानेश, am I audible? Yes, ma'am. Then the general transformation matrix is now 3x3 with this as the, ये हम पहले भी कर चुके हैं, with this as A, B, C, D, then 0, 0, 1 and translation factors here as M, N. तो किसी का माइक ऑन रह गया बेटा, तो यहाँ पे किसी का माइक ऑन रह गया, यहाँ पे ट्रांसलेशन जब हमें करना है, अगेन आई वांट टू मूव बैक टू दिस स्लाइड। देखो ये क्या है, ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक दो क्लासेस के बाद इस मैट्रिक्स को आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो इनर मैट्रिक्स है ये वही 2x2 मैट्रिक्स है, ये जो लास्ट कॉल रो है दैट इज फॉर योर ट्रांसलेशन फैक्टर्स, और ये जो है दैट इज फॉर द प्लेन W इक्वल्स टू जीरो। W इक्वल्स टू जीरो मतलब है X इज इक्वल्स टू जीरो एंड Y इज इक्वल्स टू जीरो, सो यू पुट इट एज 001। जब ये वैल्यूज नॉन जीरो होंगी तब हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना समझिए कि ए बी सी डी को चेंज करने से, वेयर ए एंड डी आर योर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करने से स्केलिंग विल रिजल्ट। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज सी एंड डी, सी एंड बी को चेंज करने से शेयरिंग विल रिजल्ट। इफ ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव देन इट विल लीड टू रोटेशन, बट व्हेन दे आर नेगेटिव देन इट लीड्स टू रिफ्लेक्शन and translation are altogether different, which are represented in the last column by the factors M in X direction and N in Y direction. So, ye matrix ab aapko by heart hona chahiye ab tak ki do classes ke baad, theek hai? Now, when you talk about translation, obviously ye inner matrix jo hai, that is your identity matrix. That is your identity matrix. The last is, अच्छा ये दोबारा से ना वो representation दूसरी आ गई, ये M N जो है ये यहाँ है, M and N are here, और ये 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। Then rotation की बात करेंगे तो ये values आपकी 0 0 आ जाएंगी, it will remain 0 0 1, और यहाँ आपका rotation matrix आएगा। Scaling की बात करेंगे तो diagonal elements में SX and SY आएगा, there will be no translation factors and non-diagonal elements will also be zero. Then, तो यहां तक संतोष क्लियर है? यहां तक संतोष, इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। नाउ रोटेशन अबाउट एन आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट में जब रोटेशन करनी है तो हमारे को तो रोटेशन अराउंड द ओरिजिन आती है। तो व्हाट वी डू इज वी डू दीज थ्री स्टेप, वी ट्रांसलेट द पॉइंट टू द ओरिजिन, दैट इज बाय द फैक्टर माइनस एम कॉमा माइनस N. Then we rotate about the origin, and then last may we translate back to the original center of rotation, that is M comma N. So T आ जो है आपका आ जाएगा T dash into R into T double dash. Suppose we need to, the question says you have to perform 90 degree rotation of an object at 4.3 counter clockwise about its center. अब हमें using this matrix, rotation का matrix आप 90 degree का निकाल सकते हैं, ये तो translation factor 001, आपकी equation W equals to 1 की वजह से यहाँ पे 001, और ये आपका
बीच में रोटेशन मैट्रिक्स है, आपने सिर्फ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाली है, तो यू गेट द मैट्रिक्स 0 1 1 -1 0. नाउ सो हियर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ट्रांसलेट बैक टू द ओरिजिन बाय यूजिंग ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. वो क्या दिया हुआ था आपको, 4, 3. तो 4, 3 को 0, 0 पे लाने के लिए आपको ट्रांसलेट करना है -4, -3 पे, और बाकी का मैट्रिक्स जो है वो आपका सारा नॉन वेटेज है. उसका नॉन वेटेज होने के लिए यहाँ पर आपको इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है 1, 1 एट डायगनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगनल एलिमेंट्स एंड 0. Then you have to use the rotation matrix. The rotation matrix is this. And then you have to finally translate it back to the point 4, 3. So, yahan par ab translation factors ho jayenge 4, 3. And then you multiply it with the point. Suppose x, y diya hua tha point. So, x, y ko aapne sare se multiply kar diya and you get this result. There is one thing to keep in mind. That whenever you have a point x, 1, you will never show your results in the Cartesian coordinates. You will always use it in homogeneous coordinates. Generally, questions mein diya hota hai ki you need to show the result in show the final coordinates in homogeneous coordinates. कभी कभार क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता है. तो ये जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको 3 मिलेंगे अगर आपने रिजल्ट जो है वो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में नहीं दिखाया. कहने का मतलब है कि जो एक्स वाई है उसको लिखना है आपने एक्स वाई कॉमा 1 एंड यू आर फाइंडिंग द न्यू पॉइंट एज एक्स डैश वाई डैश एंड 1. यहाँ तक क्लियर है यशी? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. नाउ यू हैव next question, reflection through an arbitrary line. Occasionally, reflection to an object through a line that does not pass through the origin is required. Aisa reflection object ka ek aisi line ke saath which does not pass through the origin is required. Ab iske liye you need to apply 5 of these transformations. Pehle kya karna hai? First point is translate the line and the object through the origin so that your line passes through the origin. Uske baad to T aa gaya, theek hai? Then you have to rotate the line and the object about the origin until your line is coincident with one of the coordinate axes. Then jo aapko question mein kaha gaya ki reflect karo, to reflect through the coordinate axis, that is r dash. अब जो आपने ऊपर दो काम कर लिए, रोटेशन का इनवर्स करो और ट्रांसलेशन का बैक में करो. दैट इज ये इनवर्स लिख रखा है. एक्चुअली इट शुड हैव बीन रिटन टी डबल डैश एंड आर डबल डैश. थोड़ी सी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज मिसलीडिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अगर थीटा डिग्री से रोटेट किया था पहले तो अब माइनस थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, और अगर आपने ट्रांसलेट किया था -m, -n पे तो अब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं +m, +n पे. सो दीज आर द 5 ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच यू हैव टू डू 1 by 1 इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट अ लाइन अबाउट एन आर्बिटरी पॉइंट. अब इसका एग्जांपल है, बिफोर आई विल लीव दिस एग्जांपल टू यू फिलहाल, आई विल एक्सप्लेन इट वंस वी डू द दिस डायग्राम. तो देखो क्या हो रहा है कि अभी आपके पास ये लाइन है, लाइन L, एंड यू हैव दिस ट्रायंगल ABCD. इट इज टेलिंग दैट रिफ्लेक्ट दिस ट्रायंगल ABCD थ्रू दिस लाइन L. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ABCD और लाइन L को ट्रांसलेट करना है ताकि लाइन L जो है वो ओरिजिन से पास करे. So your some diagram will be something like this. उसके बाद आपको इस लाइन को ऐसे रोटेट करना है कि जो लाइन है वो एक्सिस पे कोइंसाइड हो गए. तो ये हमने रोटेशन परफॉर्म किया. उसके बाद आपको जो क्वेश्चन में कहा गया है रिफ्लेक्शन करने के लिए, आप वो रिफ्लेक्शन कीजिए अपने मैट्रिक्स को यूज करके.
जब आपने ये कर लिया तब आपने दोबारा लाइन को रोटेट करा, दैट इज योर इनवर्स रोटेशन दोबारा से करा, उसके साथ साथ आपने ऑब्जेक्ट को भी उतना ही रोटेट किया, एंड देन फाइनली लास्ट डायग्राम दिखाया नहीं है, आपने दोबारा से ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब ये करने के लिए पांचों आपको मैट्रिसेस के साथ सिंपली रिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करना है। आई एम जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू, ये पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड, नाउ वील मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सही, यहाँ तक क्लियर है? सही, यस मैम। नाउ शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन राइट अवे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बुक के क्वेश्चंस हैं या जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट इज राइट डाउन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ओवरऑल स्केलिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, मैंने F5 नहीं किया ना, सॉरी। राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर overall scaling and non-uniform scaling of a unit square using homogeneous coordinate system. जैसे ही homogeneous लिखा है तो 3x3 matrix की बात हो रही है। अब यहाँ पे बोला गया है for overall scaling and for non-uniform scaling. Overall scaling, अच्छा ये ना somehow how it missed in the slides. अच्छा चलो पहले ना ये question solve करने से पहले आप समझो जो स्केलिंग है वो स्केलिंग आपकी एक तो होती है यूनिफॉर्म स्केलिंग, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। ये हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। उसके अलावा एक ओवरऑल स्केलिंग होती है और एक नॉन ओवरऑल हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल स्केलिंग में क्या होता है कि आपकी जो यूनिफॉर्म ही होती है वो स्केलिंग, यूनिफॉर्म का मतलब है योर SX एंड SY आर सेम। When they are same, तो आप वहाँ पे local scaling या overall scaling कर सकते हैं। दोनों में matrix की representation is different, ठीक है? वो कैसे होता है कि जब overall scaling की बात होती है, तो आप ये जो diagonal elements हैं, इनको 1,1 रख देते हो और यहाँ पे एक factor s रखते हो। अगर कहने का मतलब है इसको और बारीकी से बताने के लिए, मान लो बोला है कि आपको स्केल करना है एक रेक्टेंगल को बाय 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड अ फैक्टर ऑफ 2 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। तो आपके पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, है ना। नॉन डायगनल एलिमेंट्स आपके 0 0 होते, ये सारा आपका 001 होता और ये भी आपका 001 होता। यही होता ओवरऑल स्केलिंग, सॉरी लोकल स्केलिंग, यूनिफॉर्म लोकल स्केलिंग। लेकिन इसी को आप ओवरऑल स्केलिंग से भी कर सकते हैं कि आप डायगनल एलिमेंट्स को तो 1 1 बना दें, यहाँ पे जो फैक्टर ये s है इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, मतलब आप लिखेंगे 1/2। 1/2 का मतलब है कि आपने उसको उतना प्लेन को चेंज कर दिया, तो अब दैट इज कॉल्ड एज योर ओवरऑल स्केलिंग। और जो नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग है उसका तो मैट्रिक्स आपके पास होता ही है यहाँ पे ए एंड डी, ये तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू। देन और क्या पूछा हुआ था, फॉर राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ओवरऑल स्केलिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग ऑफ अ यूनिट स्क्वायर। अच्छा, तो यूनिट स्क्वायर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट स्क्वायर देखो क्या था हमारे पास, यूनिट स्क्वायर होता था 0 0 1 0 0 1 1 1। इसको हमने होमोजीनियस में लिखना है, तो 0 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 0 1, 1 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 0 1, एंड सो ऑन द अदर 4 पॉइंट्स। और सिर्फ लिखा है राइट डाउन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, तो 3 मैट्रिक्स लिखो और 3 में से 3 ले लो। इज दैट ओके? हां जी प्रतिका, यहां तक क्लियर है बेटा? यस मैम। अब ये आप लोग सब अभी करेंगे, शो दैट 2 प्योर रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आर अप्लाइड सक्सेसिवली
The result is a pure rotation about origin. I give you 2 minutes. Three, 4 minutes. अभी 10:15, 10:16 हुआ, 10:21 पे आप लोग करो ये क्वेश्चन सारे. हाँ जी बेटा, हुआ क्वेश्चन? Was somebody able to do it? अश्विन जी, अश्विन कर पाए बेटा? अच्छा देखिए, at two pure reflection transformations, तो दो pure reflections,
about the line passing through the origin are applied successively, the result is a pure rotation about origin. तो दोनों रिफ्लेक्शन के मैट्रिसेस को लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, एक नया ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स आया आपके पास, उसका डिटरमिनेंट निकालो, एंड इफ दैट डिटरमिनेंट कम्स आउट टू बी प्लस वन, देन यू हैव शोन दैट इट इज अ प्योर रोटेशन. देखो यहाँ क्या किया है, y equals to 0 पे पहले रिफ्लेक्ट किया अबाउट द एक्सिस y equals to 0, उसका t उठाया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उठाया, फिर x equals to 0 का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स उठाया, दोनों का डिटरमिनेंट निकाला वो माइनस वन आया, तो वी से दैट इट इज प्योर रिफ्लेक्शन. फिर हमने निकाला t equals to t1 into t2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, तो वो आया 1, दैट सेज दैट इट इज अ प्योर रोटेशन. अब आपने मान लीजिए पॉइंट आपका है ए बी सी डी, तो पहले आपने T1 को ए बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने ये जो नया ट्रांसफॉर्म ट्रायंगल आया इसको आपने T2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया. Moving on to the next, reflect the diamond shaped polygon whose vertices. हाँ जी मैम, वहाँ T2 में ये माइनस वन नॉन डायगनल में कैसे थे, नीचे एंड में कहा, ये जो ने एंड में T2 लिखा है यहाँ, नहीं मैम नीचे वाला T2, नीचे वाला T2 ये हाँ मैम, दूसरा कोई और रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स उठा लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड तो लेना वही है जो आपने यहाँ पे ऊपर लिया. हाँ तो वही पूछ रहे, वही लिखना था ना यहाँ पे T2 में, वही T2 में वही लिखना था. मैं ये सारे क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ ना कि क्या आपका वो पॉलीगन के एक्चुअल वर्टिसेस है या कौन सी प्योर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो शो करना था ना, तो गलती से करते वक्त यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स उठा लिया है, ठीक है. एक्चुअली इस स्टेप की ना ये जरूरत ही नहीं है, ये जो ये किया है इसकी जरूरत ही नहीं है, यू कैन जस्ट एंड अप हियर. क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हो कि डिटरमिनेंट इसका जो है वो प्लस वन आ रहा है. पर देखो स्टेट अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हो तब भी मेरे जैसा एग्जामिनर चेक करेगा तो मैं 5 में से ना 3-3.5 ही दूंगी. क्यों? क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर द स्टेटमेंट्स व्हिच सेज दैट इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज प्लस वन देन इट इज प्योर रोटेशन. तो सिर्फ एग्जाम में ये ब्रैकेट में प्योर रोटेशन लिखने से कुछ होने नहीं वाला है ना. तो अच्छा ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आप ही के सीनियर्स से सॉल्व करवाए हुए, एक बार उनको पढ़ा दिया और फिर उनको बोला कि अपनी असाइनमेंट एज प्रेजेंटेशन सबमिट करिए, तो देयर मे बी सम ग्लिचेस, सो प्लीज कीप योर आईज ओपन व्हेन वी डिस्कस दीज सॉल्यूशंस, है ना. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट द डायमंड शेप्ड पॉलीगन वर्टिसेस polygon whose vertices are this a b c d about the line x equals to 2. ये चार नंबर का है, तो हम क्या करेंगे about the line x equals to 2, पहले तो x को origin पे लेके आना है, तो हमें इसको पहले translate करना पड़ेगा line को, तो हमारा जो translation factor है will be minus 2 in x direction and 0 in. क्यों? क्योंकि x equals to 2 दिया हुआ है, तो x को 0 बनाने के लिए minus 2 करना है, y तो already 0 ही है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आपने पहले ट्रांसलेट किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया है रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट दिया है, तो रिफ्लेक्शन का आपने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, देन आपने दोबारा इसको ट्रांसलेट किया विद द फैक्टर 2,0, ट्रांसलेशन फैक्टर एज 2,0, एंड देन तीनों को मल्टीप्लाई किया t इनवर्स इनटू रिफ्लेक्शन इनटू t, तो व्हाट यू गेट इज सम t, कैपिटल t,
उसको आपने इंटायरली को x के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। x के कोऑर्डिनेट्स a दिया था -1, 0, इसको कहीं नहीं लिखा होमोजीनियस, बट हमें इसको होमोजीनियस में ही लेना है, तो आपने a की वैल्यू जो ली होगी वो ली है -1, 0, 1। इसी तरह से बाकी सारी, और उनको जब आपने मल्टीप्लाई किया -1, 0, 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिखाया है, ये मल्टीप्लीकेशन दिखाया है, एंड देन योर एंड रिजल्ट इज दिस। तो ये आता है चार नंबर के लिए। चार नंबर में आई रिपीट हियर, अंशिका सुनाई दे रहा है बेटा? अंशिका यस मैम। I repeat here, ये जो चार नंबर है, इस चार नंबर में we are not judging your skills of matrix multiplication. What we are looking for is that whether you know in which order the multiplication is to be performed and you know that what is the matrix for entire transformation, जो भी इसमें बोला गया है। So that means, अगर ये पेपर में चेक करने की बारी आती है तो हम पहला एक नंबर देते हैं कि आपने इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स को लिखा है, दूसरा नंबर हम देते हैं कि क्या आपने ट्रांसलेट करके दोबारा से ट्रांसलेट किया है, तीसरा नंबर देते हैं कि आपने रिफ्लेक्शन का जो मैट्रिक्स है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, चौथा नंबर हम डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन किया है ऑर्डरिंग भी ठीक लिया है और लास्ट में रिजल्ट जो है वो होमोजीनियस में छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो इन सम वे समहाउ अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में गलती कर भी जाते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ग्राफिक्स का पेपर थोड़ा लंबा होता है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज दैट अगर किसी वजह से आपका पेपर लेंदी है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ तक भी छोड़ देंगे ना आप, और ये लास्ट का मल्टीप्लिकेशन नहीं भी दिखाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो पूजा, तो मैम जो एंडिंग में पॉइंट्स निकाल के नहीं देने पड़ेंगे हम लोगों को, उसमें फिर हाफ अ नंबर ही होगा ना सबट्रैक्ट, क्योंकि आपने इनिशियली ही उसको होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे ले लिया है। तो इवन इफ यू नाउ मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स और यू डोंट मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, इन बोथ द केसेस रिजल्ट तो होमोजेनियस में ही आएगा ना। तो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, वो 4 कट रहा है बीच में। अ ट्रायंगल इज डिफाइंड बाय वर्टिसेस दिस दिस दिस, it is transformed by the 2 cross 2 transformation matrix as this, find the area of the transformed triangle. ab transformed triangle ka area nikalna hai, ye question hum kar chuke hain, ye kya hai area ka relation kya hota tha, han ji sahi sahi aap batao area ka kya relation tha purane area at aur ai ka, पढ़ा है ना अभी हमने आज की क्लास में, सही? हाँ जी संतोष, संतोष व्हाट इज द, यस मैम यस मैम, मैम at equal to ai और उसके बाद मैम डिटरमिनेंट ऑफ av ऐसे कुछ था, मैम याद नहीं आ रहा ढंग से, डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब ये जो t दे रखा है हमारे पास, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 6 × 4 = 24 − 4 × 2 = 8, ठीक है ना? ठीक, तो अब क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस ये, तो इन ट्रायंगल के वर्टिसेस को होमोजीनियस में लिखना है, उस ट्रायंगल को मल्टीप्लाई करना है t के साथ। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है, न्यू एरिया हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ टी इनटू द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इनटू हाइट, यहां से आपने बेस और हाइट निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 4। डिटरमिनेंट निकाला आपने, आपके पास 24 − 8 = 16 आ गया, तो एरिया ऑफ न्यू ट्रांसफॉर्म ट्रायंगल हो जाएगा 16 × 4, दैट इज 64 यूनिट्स। तानिया क्लियर है बेटा? तानिया ठीक है ये? Yes, ma'am. Now you have next question. A point P is shown by 2, 20, which is reflected about the line y is equals to x plus 5.
गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यूज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स. ये पांच नंबर के लिए है आपका. अब देखो लाइन है आपकी यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x प्लस 5. ये लाइन दे रखी है ना y इज इक्वल्स टू x प्लस 5. ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है. x दे रखा है आपका 2, 20, 1. मूविंग बैक हियर x दे रखा है, x मतलब p दे रखा है 2, 20. इसको होमोजीनियस में लिखोगे तो 2, 20, 1. अब लाइन देखो क्या है, y जो होती है दैट इज mx प्लस c. यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स x इज मल्टीप्लाइड बाय 1. दैट मीन्स m जो है वो 1 है. m 1 है, यू नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू m. तो अगर tan थीटा 1 है दैट मीन्स योर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब लाइन जो है वो थी y इज इक्वल्स टू x प्लस 5. तो x को y को आपको ओरिजिन पे लाने के लिए माइनस 5 करना पड़ेगा x में, तभी तो y इक्वल्स टू 0 होगा. ये एक जो इक्वेशन है, हमें तो सारे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स x इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू 0 के लिए पता है. तो ये y इक्वल्स टू x प्लस 5 जो है इसको 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ माइनस 5 भी करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स हमारे पास पहले ट्रांसलेशन करना है विद अ फैक्टर ऑफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू माइनस 5. देन रिफ्लेक्शन का आपके पास देन क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन को और ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कराना है, रोटेट कराना है बाय एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. उसके बाद आपने जो आपसे रिफ्लेक्शन कहा गया है वो रिफ्लेक्शन कराना है. जब आपने वो कर लिया तो उतना ही इनवर्स आपने रोटेशन करा के उतना ही इनवर्स आपने इसमें ट्रांसलेशन कराना है. सो योर नेट रिजल्ट विल बी दीज 5 ट्रांसफॉर्मेशंस वन आफ्टर दी अदर. पहले लाइन को ओरिजिन पे ला रहे हैं, फिर लाइन को आप रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फिर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं जो कहा गया है आपसे क्वेश्चन में. जितना आपने रोटेट किया था 45 डिग्री से, अब उतना ही इनवर्स रोटेशन माइनस 45 डिग्री से कर रहे हैं. एंड देन लास्ट में आप दोबारा ट्रांसलेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फैक्टर 0, -5 नाउ यू ट्रांसलेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ 0.5. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? मैम दो चीज पूछनी है इसमें. हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैम एक तो रिफ्लेक्शन में मैम नॉन डायगनल कैसे आ गए? डायगनल लेते हैं ना नेगेटिव साइन के साथ रिफ्लेक्शन के लिए. समझी नहीं मैं बात कहाँ पे, मैट्रिक्स की बात कर रहे हो? हाँ मैम रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स में. हाँ रिफ्लेक्शन मैम ये नॉन डायगनल क्यों लिए हैं वैल्यूज? ये ना इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किया. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज मैट्रिसेस. आप अपने मैट्रिसेस लिखो, आपको मालूम है ना ये रिफ्लेक्ट रोटेशन के मैट्रिक्स में ये रिप्रेजेंटेशन दूसरी यूज करी है. हां मैं cos sin वो cos माइनस sin sin ये a b c d यहां आएगा ना a b c. हां मैम नहीं मैम मैं ये वाला नहीं, मैं ref की बात कर रहा हूं मैम. हां हां मैम इसमें मैम नॉन डायगनल्स में थोड़ी आएगी 100, वो तो नॉन डायगनल वैल्यू चेंज कर देना रिफ्लेक्शन के लिए. तो मैंने नॉन डायगनल्स में 1 1 लिखा है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ ये सही है? गलत गलत. ठीक है नाउ नेक्स्ट, रोटेट द गिवन ब्लॉक क्यू बाय प्लस 90 डिग्री अबाउट द लोकल एक्सिस x डैश एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ब्लॉक. The centroid of the block is given to you as 3/2, 3/2, 3/2, 1. The vertices of the block are these. ये 6 नंबर के लिए है. दोबारा I'm reading it कि आपके पास एक ब्लॉक दे रखा है जिसके vertices ये हैं. 8 vertices, ठीक है? इस ब्लॉक का हमें centroid भी दे रखा है कि centroid है उसका ये. अब क्या कह रहे हैं कि इस ब्लॉक को रोटेट करो बाय थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज अबाउट सम लोकल एक्स डैश एक्सिस. अब ये जो एक्स डैश एक्सिस लोकल एक्स डैश एक्सिस है
इट पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द ब्लॉक. अब क्या करना है, सॉरी क्या करना है, पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा सो दैट यू कम टू द ओरिजिन. अभी ये जो आपका सेंट्रोइड है ये 3/2 पे है, ठीक है. अब आपका जो x लोकल x डैश एक्सेस है, x को आपको जीरो लाना है, बाकियों को आपको ट्रांसलेट करना है बाय अ फैक्टर ऑफ -3/2 एंड -3/2. तो ट्रांसलेशन फैक्टर हो जाएगा 0, -3/2, -3/2 और ये तो 1 ही रहेगा. उसके बाद आपने रोटेशन करना है. समहाउ आई थिंक मैंने ना ये प्रेजेंटेशन आपको न्यूमेरिकल्स पहले स्टार्ट करा दिए, जबकि मुझे पहले आपको प्रोजेक्शन वाले चैप्टर में से 3-dimensional रोटेशन पहले करा देना चाहिए था. मैंने आपसे बोला था कि हमारे यहाँ पे चैप्टर 2 में ट्रांसफॉर्मेशन है 2-dimensional में, चैप्टर 3 में आपके पास प्रोजेक्शन है और लास्ट में उसमें 3-dimensional ट्रांसफॉर्मेशन है. तो वो 3-dimensional ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराई है, इसलिए इन क्वेश्चंस में यू आर फाइंडिंग दिस थिंग कि जो ये रोट ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स जो है ये 4x4 हो गया है इंस्टेड ऑफ 3. हमने जो मैट्रिक्स करा था वो 4x4 के बजाय यहाँ कर दिया है, अब सॉरी 3x3 पड़ा था, ये यहाँ क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं 4x4 मैट्रिक्स, क्योंकि आपको जो पॉइंट दिया गया है वो 3-dimensional पॉइंट था. ये पॉइंट देखो क्या है, 3/2, 3/2 एंड 3/2. इसको 3-dimensional पॉइंट को होमोजीनियस बनाने के लिए आपने एक 1 ऐड किया, तो आप तो लैंड अप कर गए 4-dimensional स्पेस में. 4-dimensional स्पेस में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो 3x3 नहीं चल के अब चलेगा आपका 4x4. रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, 1 dimension इज देयर, दिस z dimension इज देयर. अभी के लिए आप ये समझिए, इसके बाद आपके पास देखो दिया हुआ है यू हैव टू रोटेट अबाउट 90 डिग्री इन x डैश एक्सिस. तो रोटेशन के ना आपके 3 matrices होंगे, रोटेशन अबाउट x एक्सिस, रोटेशन अबाउट y एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट z एक्सिस. फिलहाल के लिए आप ये समझिए, रोटेशन अबाउट जो x एक्सिस है उसमें जो ये y और z का एक्सिस है ना, यहाँ पे हम अपना वो ABCD वाला मैट्रिक्स लिखते हैं. जब रोटेशन अबाउट y एक्सिस करोगे, z एक्सिस करोगे, तो फिर आप यहाँ पे उनको लिखेंगे इधर x और y में, ठीक है, और z आपका 0, 0, 1 हो जाएगा. अब जब आप रोटेशन अबाउट z एक्सिस लिखते हैं तो आप इसको सॉरी रोटेशन अबाउट x एक्सिस लिखते हैं, y एक्सिस लिखते हैं, तो आप बीच वाले को 0, 1, 0 बनाते हैं एंड यू आर यूजिंग दीज रोज फॉर cos theta, sin theta, माइनस sin theta, cos theta, ठीक है. अब यहां तक क्लियर है भूमि? भूमि क्लियर है बेटा? यस मैम. अब आपने यहाँ पे किया रोटेट, रोटेट करने के बाद आपने वापस उसको ट्रांसलेट किया उन्हीं फैक्टर से 3/2, 3/2 एंड 1 और आपके पास ये मैट्रिक्स आ गया. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आया, इसको आपने जो भी आपको क्यूब दे रखा है उसके साथ ब्लॉक के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन यू लीव द रिजल्ट इन योर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स. तो यहां तक क्लियर है भूमि? यस मैम. नाउ यू हैव गिव द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन. पहले है यू हैव टू स्केल इन एक्स डायमेंशन बाय 2 units एंड वाई डायमेंशन बाय 3 units विद अ फिक्स्ड पॉइंट 4, 2. तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, गिव द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो दैट मींस मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना,
सिर्फ मैट्रिसेस को लिख के दिखाना है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए है। तो जाहिर सी बात है 3 मार्क्स के लिए इसलिए है क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट पे बोल रहे हैं 4.2 पे। तो पहले आप ट्रांसलेट करेंगे -4, -2 पे, फिर SX रखेंगे 2, SY रखेंगे 3 और फिर दोबारा ट्रांसलेट करेंगे +4, +2 पे। तो 3 मैट्रिसेस हो गए आपके पास यहाँ पे, बस 3 मैट्रिसेस लिखे एंड यू कैन लीव द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ। यहाँ तक क्लियर है रमेश? रमेश क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नाउ ये इन्होंने बस मल्टीप्लाई करके दिखाया है। शो दैट 2-डाइमेंशनल रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय 2-डाइमेंशनल रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल्स टू x इज इक्विवेलेंट टू प्योर रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। ये इसके जैसा एक पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आपने क्या किया है, 2D रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, उसका मैट्रिक्स लिखो, उसका डिटरमिनेंट दिखाओ -1 है, फॉलोड बाय 2D रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन y इक्वल्स टू x। तो लाइन y इक्वल्स टू x पे रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स लिखो, उसका डिटरमिनेंट दिखाओ -1 है। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास मैट्रिक्स आया है उसका डिटरमिनेंट दिखाओ दैट इट इज इक्वल्स टू +1 एंड देन यू सिंपली लीव द क्वेश्चन कि ये अब आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक्स आया कंबाइंड मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट +1 है तो ये इसलिए प्योर रोटेशन है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द 3-डाइमेंशनल होमोजीनियस मैट्रिक्स for each of the transformation in part 1-3। अब ये 3-डाइमेंशनल होमोजीनियस है ना, चलो ठीक है ये तो कर लोगे आप। किसी का माइक ऑन है शायद? हाँ जी। स्केल इन एक्स डायमेंशन बाय 2 एंड वाई डायमेंशन बाय 3 विद अ फिक्स्ड पॉइंट 4, 2, 2। अब एम आई ऑडिबल अंशिका? अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करना है, स्केल करना है। तो SX 2 हो गया, SY हमारे पास 3 हो गया, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट 4, 2, 2। तो दैट मींस हमारा ट्रांसलेशन फैक्टर X एक्सिस में 4 है, Y एक्सिस में 2 है और Z एक्सिस में 2 है। तो दैट मींस हम ये 4x4 वाला लेंगे मैट्रिक्स हमारा, ठीक है। तो पहले करेंगे -4, -2, -2 पे, फिर हम इसका स्केलिंग करेंगे विद SX equals to 2, SY equals to 3 and SZ equals to 0 and then उसके बाद हम इसको दोबारा करेंगे आपका SY is equal SZ equals to 1, 0 नहीं, then आप इसको दोबारा ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, वो लिखा ही नहीं है, मैट्रिक्स ही नहीं लिख के दिखाया उन्होंने पूरा, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यूज लिख के यहाँ पे दिखा दें, यू नो द मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि यू हैव टू रोटेट बाय 30 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस है तो अबाउट एक्स एक्सिस में आपका यहाँ पे वो 3 चीजें ABCD लिखा जाता है। देन यू हैव टू से रिफ्लेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाया है, दैट इज इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन अ ट्रायंगल व्हिच इज डिफाइंड बाय द वर्टिसेस दिस दिस दिस, यू हैव टू फाइंड एंड टी इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड ट्रायंगल। ये हम कर चुके हैं, ये तो कर चुके हैं ना, पीछे से रिपीटेड क्वेश्चन है। देन रिफ्लेक्ट द डायमंड शेप पॉलीगन अबाउट द, ये भी हम कर चुके हैं यूजिंग स्केलिंग। हाँ, नाउ आई रीड दिस क्वेश्चन। Using scaling, magnify the triangle ABC with the vertices A, B and C as this to 3 times its size while keeping the vertex C as fixed. अब देखो 3 times its size है, 3 times its size है, SX and SY both are equals to 3. Keeping the vertex C fixed,
सी को फिक्स रखना है, दैट मीन सी जो है अभी 5.2 पे है, तो पहले आप इसको ट्रांसलेट करेंगे -5.-2 पे, फिर आप अपना स्केलिंग करेंगे एंड देन फिर यू विल अगेन ट्रांसलेट इट बैक टू 5.2 सो दैट योर पॉइंट सी रिमेन्स फिक्स्ड. तो ये ट्रांसलेट सी टू ओरिजिन, स्केल इट टू 3 टाइम्स एंड इट बैक. तो ये आपके पास ट्रांसलेशन फैक्टर -5-2 आ गया, फिर ट्रांसलेशन फैक्टर 5.2 आ जाएगा और ये आपका स्केलिंग फैक्टर है बाय अ फैक्टर ऑफ 3, तो ये 3-3 हो जाएगा आपके पास. यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, डोंट गो बाय दिस आंसर. ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने यूनिफॉर्म स्केलिंग में 3, यू हैव टू राइट इट आइदर इट एज -1/3 और यू हैव टू राइट हियर एज डायगनल एलिमेंट्स 3.3 and 1. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अनिल, अनिल? यस मैम. नाउ सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 4.3. राइट डाउन द स्टेप्स टू रोटेट इट बाय 90 degrees एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर. तो अबाउट इट्स सेंटर है तो -4.-3 हो जाएगा, तो ट्रांसलेट टू ओरिजिन देन रोटेट बाय -90 degrees एंड देन ट्रांसलेट इट बैक. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेंट्रॉइड वाला. ठीक है, दैट इज इट. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट इन योर एग्जाम. तो दोनों प्रेजेंटेशंस पढ़ने के बाद इट इज आई थिंक वेरी क्लियर टू यू, यू विल नॉट गेट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ थियोरी फ्रॉम दिस. है ही नहीं इसमें कुछ थियोरेटिकल पूछने के लिए, सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है एंड न्यूमेरिकल्स यू कैन सी हियर क्लियरली. सिर्फ मैट्रिक्स लिखने का, अगर 4 मैट्रिक्स लिखने हैं तो 4 नंबर, 3 मैट्रिक्स लिखने हैं तो 3 नंबर, और अगर उसमें और कुछ भी है साथ में करने के लिए तो एट द मैक्स 5 marks. जो कि आपके जो 7 mark वाले न्यूमेरिकल है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो प्रोजेक्शन है उसमें से पूछे जाते हैं. यू हैव योर अप्रोक्सीमेटली यू कैन अज्यूम दैट आउट ऑफ 75 marks 12 marks विल बी फ्रॉम चैप्टर 2. ठीक है, हाँ जी, अब बोलो आप बेटा. मैम ये पूछा था जो आपने बोला 3 times वाले में दोनों x और y को 3-3 कर देंगे. हाँ. तो मैम वो 9 times नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से ही देख लेते हैं डिटरमिनेंट इसका 9 आ रहा है. नहीं नहीं, 9 times नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म स्केलिंग की बात कर रहे हैं कि जितना एक्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं उतना ही हम वाई डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं. ठीक है, और अब यू नो द प्रैक्टिकल्स व्हिच हैज टू बी डन रिगार्डिंग दिस. You have to take a triangle and apply all these transformations to it. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है कि आप इसको रिफ्लेक्ट करके, रोटेट करके, ट्रांसलेट करके दिखाएं या ओनली स्केल करें, whatever. You know the kind of practicals which will be asked. तो आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ले लो और उस पर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लो जिसमें आप सारे काम कर रहे हैं, कभी यूनिफॉर्म स्केलिंग, कभी रोटेशन, कभी कंबाइंड स्केलिंग, कंबाइंड विद ट्रांसलेट के बाद रोटेट करके फिर ट्रांसलेट करते हैं एंड यू टू शो द रिजल्ट एज ग्राफिकल. अच्छा, एकदम एक ही दिन बोल देंगे आपको कि आपका प्रैक्टिकल फाइल यहाँ तक के सबमिट कर दीजिए एंड देन वील कॉल फॉर अ वाइवा. देखो प्रैक्टिकल फाइल तो लेने का, तो अलग अलग सबसे लेने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आई नो द बैकग्राउंड पिक्चर. एनी वन ऑफ यू विल डू अ प्रैक्टिकल विच विल बी शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड यू विल सबमिट द सेम फाइल. तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट बी क्रिस्टल क्लियर विद ईच अदर. इकट्ठे आप लोग मिलकर एक प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए, यहाँ तक मुझे एक वर्ड फाइल सबमिट कर दीजिए. What is more appropriate is that after you submit that file, we'll have a individual viva. ठीक है, क्योंकि that is where I can find out कि कितना किसने खुद से किया है. Otherwise सब copy paste करके देंगे तो मैं भी इतनी सारी files को संभालूं. आप एक word file बनाइए of your own class for 6 semester. एंड डेट आपस में आप लोग डिसाइड कर लीजिए और मुझे एक डेट बता दीजिए कि क्लिपिंग तक के क्वेश्चंस आप कब सबमिट करेंगे इन नेक्स्ट वीक.
ठीक है, have I made myself clear? और उससे next week में we will have your viva. Clear है यहाँ तक? अभी आवाज मेरी सुनाई दे रही है? Yes ma'am. आपस में decide करके उसको ये करा लेंगे, ठीक है? So I leave you for the rest of the day and we will meet on Monday. Monday I will start with projections. ठीक है जी? Yes ma'am. चलिए, have a good day. Okay. Mam.